This uh, session is going to be a little different because Mansukhbhai wants to speak in Hindi so we're going to have a little conversation and I will do the best to translate it but the point is we want all of you to hear a different language and understand what he's saying from the way he's saying a uh, quick background about uh, Mansukhbhai is that uh, his family comes from working with clay they used to make clay pans his entire family used to work together and about 100 clay pans per month they used to make. But he didn't want to be in that business, so his father let him be a tea stall owner. But then when he decided to get married, his father-in-law was not that happy about a tea stall run. He didn't want his daughter to marry somebody who was in a tea stall, so he decided to become an entrepreneur and started a factory in clay. So uh, And my Hindi is really bad, so. <laughs> so, once bhai, boliye aap kya kya karte the, मिट्टी के साथ तो मेरा फादर है वो मिट्टी का बर्तन बनाते थे लेकिन ये जो हम प्रोडक्ट करना चाहते थे वो कुछ नया इनोवेशन करना चाहते थे क्योंकि हमारे पूर्वजों जो मिट्टी में से जो काम करते थे एक दिन में सौ तवा बनाते थे और मैंने एक मेरे दिमाग से एक ऐसा मशीन बनाया कि एक दिन में छः सौ से ज़्यादा तवा बनने लगे तो हमारा जो पूर्वजों थे वो एक काम छोड़ने लग गया थे कि मिट्टी के बर्तन में कुछ मिलता नहीं था हम जो मेहनत करते थे इतना पैसा नहीं मिलते थे इसके बदले में मैंने जो मशीन बनाया तो हमारा जो पूर्व जो जो काम हमारा कुम्हार लोग है वो काम छोड़ छोड़ने लगे थे वो वापस हमारे बिजनेस में आ गया और इसके इसके अलावा हमने जो ये मिट्टी का मटका बनाते थे हम ये मटका में कुछ नया डिजाइन किया मैंनेड so pans a day so most of the people were interested in uh, cool. buying the machines so he invented that but he also there is a tradition in india of keeping water etc cool in a clay pot but it's just a regular brown clay pot but he actually put some designs and created new pots new designs so iskibare me bol ye jo we normal pani normal तो मैंने सोचा कि बड़े लोग होता है पैसा वाले लोग होते हैं वो तो <laughs> वो तो पानी फिल्टर वाला पी सकते हैं लेकिन गरीब लोग होते हैं इसके लिए फ़िल्टर वाला पानी फिल्टर कैसे हो सकता है तो मैंने इसमें जीरो पॉइंट नाइन माइक्रोन वाला अपने हाथ से मिट्टी में से कैंडल बनाया और, और इसमें से पानी फिल्टर होके साफ़ पानी आने लगे जो बैक्टीरिया हमारे हेल्थ को जितनी ज़रूरत है उतना मिलने मिलता है इसमें और नई जरूरत है वो बड़ा बैक्टीरिया एक माइक्रोन से बड़ा बैक्टीरिया सब निकल जाते हैं ओके सो ही सेड रिच पीपल ऑलवेज हैव वाटर फिल्टर सो ही क्रिएटेड अ वाटर फिल्टर आउट ऑफ क्ले एंड ही सेड अबाउट 0.9 नाइन माइक्रॉन टेक्नोलॉजी इज यूज सो enough bacteria that's necessary for us comes in so that we don't get too uh, you know uh, healthy but तो इसमें क्या होता है पानी ठंडा भी मिलते हैं मिट्टी की वजह से और साफ भी मिलते हैं और हेल्थ को कोई ज़्यादा ठंडा होते हैं तो पाचन शक्ति में प्रॉब्लम होता है ये मिट्टी के मिट्टी के बर्तन में जो पानी होता है वो हेल्थ के लिए और हमको पीने में बहुत आसानी से हम पी सकते हैं तो ये ये क्या है बताइए हाँ हम जो बर्तन बनाते थे मटका बनाते थे वो 2001 में जब गुजरात में जब भूकंप आया तो भूकंप की वजह से सारे मटके टूट गया तो हमारे आसपास के लोकल अखबार वाले ने लिखा कि गरीबों का फ्रिज टूट गया तो मेरे दिमाग में आया कि जो मटका गरीबों के लिए फ्रिज होता है तो गरीबों का भी कुछ स्वप्न होता है हमारे घर में फ्रीज है तो बहुत अच्छा है लेकिन फ्रिज लेने का पैसा उसके पास नहीं होते है अगर फ्रिज भी ले लिया तो बिजली का बिल भरने का पैसा नहीं होता है तो मैंने ये गरीबों का एक स्वप्न पूरा करने के लिए ये मिट्टी का फ्रिज बनाने का आ, आगे बढ़ने के लिए फ्रिज बनाने के लिए मैंने सोचा या yeah, so. <laughs> So, in, in 2001, when there was an earthquake in Gujarat, all the clay pots were broken, and everybody started saying the poor man's fridge is broken. So, he thought we should really create a fridge for the poor man and made this fridge out of clay that keeps things fresh uh, for the poor people. Even if the person buys the fridge, to pay for electricity costs a lot of money. So, he thought it's better to do it out of clay that keeps things fresh, and you don't need to pay any money for electricity. तो इसमें ऊपर के हिस्से में पानी आता है पीने के लिए दस लीटर और अंदर पाँच से सात दिन तक सब्ज़ियाँ और फ्रूट बिगड़ते नहीं हैं और इसमें कोई बिजली की ज़रूरत नहीं है मेंटेनेंस नहीं है ये जो इसके अंदर जो सब्ज़ियाँ और फ्रूट रहते हैं वो हमको जितनी ज़रूरत है जैसे हम काट के इसके अंदर कुकर में डालेंगे तो ये ज़्यादा कूलिंग की वजह से वो थोड़ा टाइम लगते हैं लेकिन ये फ्रिज के अंदर से निकाल के वो जो हम सब्जी बनाते हैं कुछ भी खाने के लिए जैसे फ्रूट हम खाते हैं तो इसका टेस्ट ओरिजिनल मिलते हैं सो द फ्रिज इज कूल इट कीप्स थिंग्स कूल इनफ दैट इट डजंट लूज द टेस्ट बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स यू पुट थिंग्स इन द फ्रिज एंड दे लूज द टेस्ट एंड ऑन द टॉप देयर इज अ वाटर थिंग सो यू कैन गेट कोल्ड वाटर एंड एट द सेम टाइम इट कीप्स द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इनफ कूल दैट इट लास्ट्स अबाउट 4 5 डेज तो इसके बाद में आप क्या किया इसके बाद हमने जो हम नॉर्मल तवा बनाते थे इसके ऊपर नॉन कोटिंग लगा दिया और छोटे लोगों की ज़रूरत पूरी पूरी पड़ती है इसमें कि हाँ ये हमारे घर में नॉन स्टिक तवा है ये मैंने जब 2005 में ये स्टार्ट किया तो सिर्फ 25 फाइव रुपीस में स्टार्ट किया था अभी इसके ऊपर हमने हैंडल लगा दिया और थोड़ा नया इनोवेशन किया तो हमने ये 50 से हंड्रेड रुपीस So he actually told me yesterday when we were chatting that uh, his wife asked him to go get a nonstick pan for her. And so he went to the store to buy it and it was 450 rupees. And he said this is too expensive. And he went and learned how they took, do the nonstick coating. So he took the pan he had that was made with clay and put the nonstick coating on it. And instead of 450 rupees, he started selling for 25 rupees. Now with new innovation, etc., we put a candle and everything, he sells for 100 rupees. इसके बाद हमने एक कुकर बनाया है जो ये आज हम खाना खा रहे हैं ये सिर्फ पेट भरने के लिए खाते हैं लेकिन जो हमारा पूर्वज खाते थे हमारे परदादा खाते थे इसका जो देख हेल्थ बहुत अच्छी थी जैसे आँख में नंबर नहीं आते थे लंबी उम्र तक इसका हेयर है वो वाइट नहीं होते थे तो इसका मेन उदाहरण क्या है कि जो इसमें ओरिजिनल तत्व है वो रहते थे जो आज हम कुकर में खा रहे हैं वो ओरिजिनल तत्व सब खत्म हो गए हैं इसकी वजह से हमें छोटी उम्र में आँख में नंबर आ जाते हैं बाल व्हाइट हो जाते हैं इसलिए मैंने ये हमारे पूर्वजों का हमारा कुमार लोगों का जो मिट्टी का काम था So in olden days, the taste of the food stayed good because they cooked in clay pots. And now, because we get into stainless steel uh, pressure cookers, etc., A, the food loses its taste, and B, it's not healthy enough. That's why we, you know, we need glasses sooner. Our hair goes, you know, gray sooner. So he said, by cooking in this cooker, it keeps the taste of the food and it's healthy. Also. तो आप इतना इनोवेशन किए अभी और क्या करना चाहते हैं आप अभी ये मिट्टी में तो हमको जो को आपको मैं बताता हूँ कि जो मैंने इनोवेशन किया है इसकी तो यादी फॉर्ब्स यादी में भी आ गया हमारा फ्रिज की यादी फ्रिज का और ये तवा का कुकर का फिल्टर का और हमको राष्ट्रपति अवार्ड भी मिला है तो हमें मिट्टी में से कुछ नया करने का आइडिया भी हमने सोच लिया है हम 2012 में एक मिट्टी कूल होम बनाने वाले हैं जो जो मकान के अंदर एक भी बिजली बिना चलने वाली लाइट भी होगी और इसके अंदर एक भी फैन का यूज़ नहीं करेंगे अंदर बिना फ़ैन को ए हम करेंगे जो हम बाहर से आते हैं तो जैसे हमारा फ्रिज के अंदर पूरा 20 डिग्री टेम्परेचर हो जाते हैं तो ये हम होम बनाएंगे इसमें 20 डिग्री ठंडा पूरा होम बना देंगे ये हमारा नया सोच है So he's uh, for all his innovations so far, he's gotten he's been written up in Forbes, he's gotten a lot of awards from the president, etc. But his dream is by 2012 he wants to make a home made of clay. So he's going to do it in such a way that you don't need any, any electricity, any fan, nothing in the house, and it'll be completely made of mud. It'll be called Mitikul home. <laughs> thank you, thank you. Thank you. <laughs>